एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 4:15 बजे आरामबाग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकेंगे और फिर अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचने जा रहे हैं। तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। दो दिन का ये पश्चिम बंगाल का दौरा होने वाला है, जिसमें 3 बजे दोपहर में वो वक्त होगा जब आरामबाग में सबसे पहले जब पहुंच रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। रामपुर बाजार इलाके में एकदम डट कर खड़े हो गए। अब एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थक, दोनों ने अपने कदम पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इसे हुआ ये कि वहां अचानक काफी तनाव बढ़ गया। कुछ देर मान मनोवल का दौर भी चला लेकिन शुभेंदु अधिकारी टस से मस तक नहीं हुए। इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेश खाली तक ले जाने की व्यवस्था की गई। करीब 20-25 जवानों से घिरे शुभेंदु अधिकारी उस नाव पर चढ़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेश खाली की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की मांग थी कि उन्हें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद दोबारा संदेश खाली की महिलाओं से मिलने की इजाजत दी जाए। संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों ने उनके साथ कई बार ज्यादती की। और इसी बात पर पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर उठा कि वो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं थमा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को रोके जाने पर वहां एक बार फिर बवाल हो गया। हालांकि जैसे ही वो संदेश खाली पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उन महिलाओं के घर ले गए। संदेश खाली की संकरी गलियों में जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला फंसा तो वो कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ममता की पुलिस और ममता की CID और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान भी कर दिया कि BJP संदेश खाली की महिलाओं की बहादुरी का सम्मान करेगी। जो माता वीरंगना ने ये लड़ाई में आगे रही, उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। BJP ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ नहीं बदलने वाला, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली की महिलाओं का हवाला देते हुए इस केस को CBI को सौंपने की अपील की। और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का यह दौर सिर्फ संदेश खाली तक ही नहीं रहा बल्कि राज्य के कई हिस्सों में फैल गया। सिलीगुड़ी में तो BJP ने शाहजहां शेख के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए वहां एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला और वहां के एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। BJP के झंडे लिए कार्यकर्ता जब उस पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचे तो उनकी झड़प पुलिस वालों से हो गई। पुलिस वालों ने लोहे के उस गेट को पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश की और BJP के कार्यकर्ताओं ने उसे खोलने में अपना जोर लगा दिया। ये रस्साकशी काफी देर तक चलती रही लेकिन आखिरकार BJP के कुछ कार्यकर्ता पुलिस के उस घेरे को तोड़ने में कामयाब हो गए। BJP ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में महिलाओं से लगातार अत्याचार होने की शिकायतें मिलने के बावजूद TMC के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और इसी का विरोध जताने के लिए BJP ने वहां जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तो BJP कार्यकर्ताओं ने वहां रखे एक टायर को आग के हवाले कर दिया और जमकर विरोध जताया। इस दौरान एक कार्यकर्ता तो सड़क पर लेट गया और बाकी सबने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इधर लखनऊ नगर निगम में एक पार्षद की नगर आयुक्त पर टिप्पणी के बाद खूब बवाल हुआ। नौबत ये आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। नगर निगम की बैठक शहर की सफाई के मुद्दे पर बुलाई गई और इस बैठक में सफाई के लिए चुनी गई कंपनी पर चर्चा शुरू हुई लेकिन चर्चा शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया क्योंकि BJP के एक पार्षद ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और इसी बात पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भड़क गए। वो आरोप लगाने वाले पार्षद पर बरस पड़े। उन्होंने मंच से ही उसे खूब डांटा और फिर गुस्सा कर वहां से निकले। ये देखकर पास खड़े दूसरे लोगों ने उन्हें रोका लेकिन गुस्से से लाल नगर आयुक्त रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के इनकार के बावजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश जारी रखी लेकिन वो उनका हाथ झटक कर निकल गए और पीछे से लोग उन्हें रुकने के लिए आवाज देते रहे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के केबिन में भी उनका मान मनोबल होता रहा। लखनऊ नगर निगम की बैठक में बखेड़ा इसलिए हुआ क्योंकि BJP के एक पार्षद ने
नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। पार्षद ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा मिला वो कंपनी नगर आयुक्त को फायदा पहुंचाएगी। और यही आरोप लगाते हुए उस पार्षद ने बैठक के दौरान नगर आयुक्त से सवाल पूछ डाला। इस पर नगर आयुक्त ही नहीं, अलवर में दो छात्राओं ने ये आरोप लगाया है कि हॉस्टल में रहने वाली दो लड़कियां उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराना चाहती हैं। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस के सामने बयान भी दे दिया है कि आरोपी लड़कियों ने उन पर दूसरे समुदाय के लड़के के साथ दोस्ती करने का दबाव बनाया और ऐसा करने पर उन्हें पैसे देने का लालच भी दिया गया। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़कियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर आयुक्त के जाने के बाद उन्होंने आरोप लगाने वाले पार्षद को भी सदन से जाने का फरमान सुना दिया और उसे खूब लताड़ लगाई। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त पर लगे आरोप को नगर निगम के सम्मान से जोड़ दिया और इतना भड़कीं कि बोलते बोलते माइक ही पटक दिया। यही नहीं, मेयर सुषमा खरकवाल आरोप लगाने वाले पार्षद को सदन से निकालने पर अड़ गईं। उन्होंने उस पार्षद की एक बात नहीं सुनी और पुलिस बुलाने का आदेश दिया और उसके सदन से जाने के बाद कार्यवाही जारी रखने का फरमान सुना दिया। वैसे जिस कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा देने पर ये बवाल हुआ उस पर कई पार्षद पहले भी सवाल उठा चुके हैं। 23 फरवरी की बैठक में तो पार्षदों ने उस कंपनी को जरूरत से ज्यादा भुगतान करने का आरोप भी लगाया था। उधर जयपुर में एक हथनी के एक पर्यटक पर हमला करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहां ये घटना आज आमेर के किले में हुई जब गौरी नाम की हथनी अचानक गुस्से में आ गई और इसके बाद उसने अपनी सूंड से उठाकर एक पर्यटक को पटक दिया। गौरी नाम की इस हथनी ने पहले रूस की इस पर्यटक को अपनी सूंड से उठाया, फिर गोल घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इस दौरान महावत ने हथनी को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। उसने पर्यटक पर हमला जारी रखा और हथनी को रोकने के चक्कर में महावत भी जमीन पर गिर गया। यही नहीं, हथनी को रोकने गया एक और आदमी भी उसके गुस्से का शिकार हो गया। ये घटना 13 फरवरी को आमेर के किले में हुई। वहाँ उस वक्त कई पर्यटक नजर आए। इस डरावनी घटना के बाद आमेर के किले में हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रशासन से अपील की गई कि वहां ये प्रतिबंध स्थायी कर दिया जाए, यानी हाथी की सवारी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर ना मिलने से मौत के मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना लग गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर ना मिलने से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। इसके साथ ही डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी कि वो पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर का इंतजाम करें ताकि फिर ऐसी घटना न हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन की जंग में 20 भारतीय भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भरोसा दिया कि सरकार उन भारतीयों को जल्द रूस से भारत लाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी के नाम पर रूस बुलाया गया था और फिर आरोप है कि उन्हें जंग में उतार दिया गया।